तीसरी लहर आएगी? जी हाँ, ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में इसका संक्रमण कई गुना तक बढ़ गया है। आलम ये हो गया है कि अब देश भर में 16 राज्यों के 260 से ज्यादा संक्रमित लोग आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव और उत्पन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। इससे बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। शुरुआती संकेतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर लगातार भारत में भी खतरा बना हुआ है और हालात और ज़्यादा ख़राब ना हो, इसको लेकर बार बार डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या निर्देश दिए हैं वो आपको बता दें। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रखी जाए, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही शत प्रतिशत टीकाकरण लोगों का होना चाहिए, ये निर्देश दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता हर जगह पर होनी चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन को देखते हुए पूरी तैयारियां पहले से करनी है। घर घर जाकर जांच होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं लेकिन जांच नहीं हो पाती। संक्रमितों पर निगरानी रखनी है, ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश में कहा गया है। साथ ही टेस्टिंग और सर्विलांस का काम भी लगातार किया जाए। वहीं ऐसे में इस बढ़ते वेरिएंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, लिहाजा राज्य त्वरित फैसला लेते हुए रात्रि कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे जरूरी उपायों के लिए भी अलर्ट रहे। आपको बता दें कि बीते 18 दिन में ये संख्या 100 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी मरीज को आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के रंग को भी फीका कर दिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने भी राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। वहीं अगर कोरोना की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल के बाकी छात्रों और टीचर्स को भी की भी कोरोना जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि संक्रमितों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में कल्याणी इलाके में स्थित नवोदय केंद्रीय विद्यालय के सभी संक्रमित बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम की भी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि WHO की तरफ से भी लगातार इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में WHO ने क्या कहा है ये आपको बता देते हैं। तो WHO चीफ ने कहा है कि ब्लैकेंट बूस्टर की बजाय लें, और ब्लैकेंट बूस्टर कार्यक्रम से COVID-19 खत्म होने की बजाय ज़्यादा लंबे समय तक चलने की आशंका है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद मौत होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। टीकों ने इस साल कई लोगों की जान बचाई है। 2021 में 35 लाख लोग COVID-19 से मारे गए थे। हम सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है। देखिए, WHO भी लगातार ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को चेता रहा है। बार बार WHO की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है और ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि WHO भी ये कह चुका है पहले ही कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो इस बार कोरोना का आया है वो बेहद ही खतरनाक है। तो भारत में ओमिक्रॉन के कितने केस हो चुके हैं और कहाँ पर कितने हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो भारत में लगातार ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में 22 मामले सामने आ चुके हैं, केरल में 15 आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 35 मामले आ चुके हैं, तमिलनाडु में 34, गुजरात में 23, उड़ीसा में 2 अब तक ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं, पश्चिम बंगाल में 1, तेलंगाना में 24, दिल्ली में 57 मरीज अब तक ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, कर्नाटक में 19 और उत्तर प्रदेश में अब तक 2 मामले ही ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। तो भारत में लगातार ओमिक्रॉन का मामले जो है, खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है।
तो ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं, और डॉक्टर शशांक कुमार यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ओमिक्रॉन को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। डॉक्टर शशांक, जिस तरह से देखिए भारत में ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के और वेरिएंट्स के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इन दोनों में क्या कोई संबंध है कि ओमिक्रॉन भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दूसरे वेरिएंट्स के भी मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, जो भी वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं वो सारे वेरिएंट हैं। पहले का तरीका तो उनका वही है, ओरल नेजल से ही वो एरोसोल जनरेटेड इन्फेक्शन है, वो लोगों को ही ट्रांसमिट करेगा, लोगों को। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो सबका एक ही है जी, और अगर सावधानियां हम नहीं रखेंगे, प्रिकॉशन जो सेफ्टी प्रोटोकॉल बताए गए हैं, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, रेस्पिरेटरी करना, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जितना ज़्यादा वेरिएंट शायद ही वेरिएंट आते जाए, अगर मोड ऑफ स्प्रेड वही है तो वो तो बढ़ता ही जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर शशांक, और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन तो खतरा ओमिक्रॉन का बना ही हुआ है और खतरनाक, बार बार WHO की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बेहद खतरनाक है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना से बहुत ज़्यादा बच्चे इस समय संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर कोई और राज्य हो, वहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा इस समय संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो क्या ओमिक्रॉन का खतरा बच्चों पर रहेगा या फिर किसी और वेरियंट से ही बच्चे संक्रमित होंगे? नहीं, खतरा तो रहेगा, ऐसा ओमिक्रॉन वेरिएंट जब नहीं डिस्कवर हुआ था उससे पहले भी आपको याद होगा कि जुलाई अगस्त में ये बात कही जा रही थी कि अगली लहर में बच्चों का संक्रमित होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वैक्सीनेटेड नहीं है वो बच्चे, और स्कूल सबके बंद करने के बाद दोबारा खोले गए थे, और थोड़ा सा पब्लिक ने भी जो है थोड़ा सा लीनियंसी बरती थी कि हाँ अब तो कोरोना चला गया, फिर वो बच्चे भी बाहर निकलने लग गए थे, फिटनेस की तो खत्म हो गई थी, ये तो माना जा रहा था कि बच्चों की अगली लहर में बच्चों को भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो वेरिएंट की तो बात नहीं हम उतना उसमें अभी बता सकते हैं, क्योंकि अब आप ही जान रहे हैं 26 नवंबर को ही वैक्सीन पहली बार डिक्लेयर हुआ है जी। और जो साउथ अफ्रीका का शुरू का डाटा आया है उसमें काफी बच्चों के अस्पताल भर्ती हो गए थे, जहाँ बच्चे काफी ज्यादा भर्ती हुए थे। तो हाँ, ये तो है कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, और वही एक जनरेशन है जो पिछली दो लहरों में काफी कम मात्रा में संक्रमित हुए थे, वहाँ बच्चों के संक्रमण होने के चांसेस तो हैं ज्यादा, बात तो सही है। बिल्कुल डॉक्टर शशांक, और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेशों में ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है दिन पर दिन, और बहुत मामले, 1-1 लाख मामले लगातार वहाँ पर सामने आ रहे हैं, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अगर भारत में ये रफ्तार ओमिक्रॉन पकड़ेगा तो भारत की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, अभी तो सारा कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है, और जिस तरीके से पब्लिक ने अपना जो प्रोटेक्टिव गियर था उसको हटा रखा है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ा हुआ है, मार्केट में भीड़ लग रही है, सख्ती उतनी ज़्यादा नहीं रख जी। चलिए ठीक है डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में लगातार ओमिक्रॉन को लेकर खतरा तो भारत में बना ही हुआ है, और डॉक्टर्स जो हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है, लोगों से अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए अपील कर रहा है, क्योंकि दिन पर दिन लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो इसको लेकर बार बार चेताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जगहों पर गाइडलाइंस भी अब जारी कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं और स्थिति ना ज़्यादा बिगड़े इसको लेकर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सभी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं।